हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज तो जल्दी उठ गए, 6 बज गई है। मैं उठ गई थी 6 बजते में और अभी ब्रश वगैरह किया तो 10 मिनट हो गए, तो 6:10 हो गई है। कॉल कर दिया है हमारे ग्रुप मेंबर को, जो भी साथ साथ में हमारे वर्कआउट करते हैं, तो उसमें एक तो उठा है और हेली दीदी को तो 20 फोन से या 10 फोन तो कर ही दिए मैंने, अभी तक उठे नहीं है। क्या बता, 10वां फोन जा रहा है ये। अब सीधा बाहर जाती हूँ, वॉकिंग करती हूँ, थोड़ा वार्म अप करेंगे और फिर करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से ये कमर दर्द हो रही है, पर होनी भी जरूरी। तो एक्सरसाइज का सेशन जो है वो हो गया है कंप्लीट और अभी घर पे आ गए हैं। और क्या, कमर वगैरह सब दुख रही है ज़बरदस्त, जोरदार कमर वगैरह सब पेन हो रही है। और अभी दूध चाय और नाश्ता बना देती हूँ। अभी बज रही हैं 11 और मेरा सारा काम हो गया, सिर्फ एक रोटी बनानी है और मेरा नहाना बाकी, कपड़े धो दिए, खाना बन गया, ब्रेकफास्ट हो गया। और आज मुझे जाना है उदयपुर, क्योंकि मम्मी पापा के साथ जो शॉपिंग करने के लिए गए थे वो सारे ही कपड़े हो गए रेडी। तो मम्मी ने कहा है तू आएगी तो ही काम बनेगा, क्योंकि थोड़ी शॉपिंग और करनी है, इसीलिए तो बहुत सारे काम लेके उदयपुर जाने वाली हूँ। साथ ही साथ ये काम अच्छा हुआ, घर का काम सारा ही निपट गया। मुझे कहीं और भी जाना था पर वो कैंसिल हो गया, और मेरा भी जाना डिसाइड करना पड़ेगा अब कब जाना है, वो कुछ फिक्स हो नहीं रहा है। और आज हेयर वॉश भी करना है मेरी छोटी सी चोटी। अभी सब काम हो गए, एक बार अब नहा लेती हूँ, फिर नहा के फिर रोटी बना लूँगी। और मेरा सूट शायद स्टिच हो गया और मंगवा देती हूँ, वही पहन लूँगी। रोटी बनाने का ही काम बाकी था तो रोटी तो मैंने बना दी, और अभी हम दोनों बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। बाल तो मैंने बनाए नहीं है, जैसे नैसे गीले छोड़ दिए, क्योंकि मैं जैसे ही गीले बाल बांधती हूँ ना तो सिर चढ़ जाता है। ये शिमला मिर्ची है, आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी जल गई है, और ये प्याज और रोटी। और मैं कम ही खा रही हूँ, एक रोटी खाऊंगी या फिर 2 रोटी खाऊंगी, क्योंकि मम्मी पापा कह रहे खाना खा के नहीं आएंगे तो कहीं बीच में खा लेंगे, पर मुझे इतनी इच्छा भी नहीं है। सुबह भी ब्रेकफास्ट अच्छा हैवी कर लिया था, तो जल्दी से करते खाना फिनिश और रेडी होना भी बाकी है, मम्मी पापा तो निकलने वाले वहाँ से। मैं हो गई हूँ रेडी और मेरे कपड़े भी स्टिच होके आ गए थे। मैंने दुपट्टा यहाँ रख दिया, सेम मेरी साड़ी जैसा ही दुपट्टा है। एक मेरी साड़ी भी ऐसी अगर आपने देखी हो वाइट कलर की। तो मम्मी पापा बाहर आ गए, वेट कर रहे हैं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। अब गोप्रो मेरे हाथ में रहेगा और अब मेरे इससे ब्लॉग चालू है, तो लेट्स गो गाइस। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, सोच ही रही थी कुछ ना कुछ बोल रही हूँ, फिर याद आया हाथ देख के घड़ी रह गई, क्योंकि हैंड क्रीम लगा दी थी। अब हाथ थोड़े से सही हो रहे हैं, लो घड़ी पहना दो हाथ में, घड़ी उल्टी डाल दी। ओके बाय। आधे रास्ते तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी ऑन द वे हैं, और मम्मी पापा आगे बैठे हैं और हम अभी जाने वाले हैं जावर माता मंदिर एक बार, और फिर जावर माता मंदिर से फिर जाएंगे उदयपुर, एक बार दर्शन कर देंगे। बीच में मंदिर है एक, मम्मी कौन हम सबको जाने की इच्छा होगी, इसलिए वहाँ पे बीच में होते हुए फिर हम आगे जाएंगे। चिकू को आजकल सपने आ रहे थे शेर वाले, मम्मी यूँ कह रही है कि मैंने कहीं बाधा रखी हो तो छोड़ देती हूँ, यूँ 2 नारियल ले लेती हूँ तो सपने आने बंद हो जाएंगे। शेर वाले सपने आ रहे थे इसलिए। दर्शन हो गए अच्छे, दोपहर में आए थे तो और शांति से बढ़िया दर्शन हुए, कोई भीड़ नहीं मिली, कुछ नहीं,
नहीं मस्त दर्शन थे क्या। अब हम निकल रहे हैं उदयपुर के लिए, दर्शन हो चुके हैं हमारे और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और मम्मी पापा तो पहले बहुत आते थे, हम भी छोटे छोटे थे यहाँ पे बहुत आते थे मम्मी पापा के साथ, पर अभी अभी तो मैं खुद भी नहीं आई थी, तो मम्मी पापा के साथ आने के बहाने यहाँ पर दर्शन भी हो गए। अभी आ गए हम विवाह पे और जो हमने पहले शॉपिंग की थी वो कपड़े रेडी हो गए, तो उनको लेने के लिए आए। तो यहीं पे पार्क कर दी है और हमको क्या अंदर सिटी के अंदर काम है, तो अंदर तो कार वैसे ही नहीं जा सकती है, इसलिए पब्लिक पार्किंग में कार पार्क कर दी है। अब हम जा रहे हैं और शॉपिंग करने के लिए, भाभी की शॉपिंग बाकी है थोड़ी सी, इसलिए तो थोड़ी वो भी शॉपिंग बाकी है, थोड़ी मेरी मम्मी की भी बाकी है तो कर लेते। हाँ अजी पापा के भी बाकी है शॉपिंग, पापा करते ही नहीं शॉपिंग। पापा के कपड़ों का ट्रायल था वो तो हो चुका है और अभी हम आए थे यश के लिए ही और सूट केसेस लेने, तो एक ले लिया है और मैं भी कुछ पर्सेस देख रही थी बट समझ में नहीं आए, इसलिए अभी तो हम फिर मॉल जाएंगे, मॉल में देखेंगे अगर समझ में आएगा, और नहीं तो 2-3 दिन बाद चिकू के साथ आना ही है, वहाँ पर दे देंगे। ले लिया है बस, अब निकलते हैं यहाँ से। ये असल लग रहा है ये मेरे लहंगे के लिए घूम रहे हैं, पर कहीं पर भी जो चाहिए वो चीज़ मिल तो गई है, पर अब देखते हैं जब बनेगा तभी ले पाएंगे। अभी तो सीधे जा रहे पापा के पास, मम्मी और हम दोनों को तो काम में लगे हुए थे। ये जब काम के बाद गाड़ियाँ भी आगे नहीं सकती है। फाइनली बहुत ज़्यादा चलने के बाद हमको ऑटो मिल गया है, हम लगभग 2 किलोमीटर चले हैं, पूरा बड़ा बाज़ार चल के आए हैं मेरे वो मटेरियल के चक्कर में, और मुझे जितना यानी क्या कहूँ जितना महंगा मुझे कपड़ा पड़ रहा है उतना ही मुझे बॉर्डर भी पड़ रहा है, सेम चीज़ हो गई है। और मम्मी और हम दोनों भी बैठे हैं, ऑटो वाले भैया उधर बातें कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे फिर हम चलेंगे पापा के पास, पापा वेट कर रहे हैं हमारा मार्केट में, क्योंकि जो भी शॉपिंग की थी वो पापा गाड़ी में रखने के लिए गए थे जहाँ पर हमने कार पार्क की थी वहाँ पर, तो इसीलिए पापा हमको मिल गए हैं और हम आ गए हैं होटल नटराज में खाना खाने के लिए, जो कि मम्मी की पापा की हम सब की फेवरेट है, तो अभी ये खाना परोसा जा रहा है। देख सकते हो गाड़ी में ठसम ठसा भर रखा है, सिर्फ मेरे बैठने से इतनी जगह रही है, मम्मी भी थोड़ी सी दिख रही है, ये बैग भी बढ़ गया, पूरा पीछे डिक्की फूल है। और अब बस निकल रहे केशा जी के लिए, मेरे को केशा जी छोड़ के मम्मी पापा निकल जाएंगे कल्याणपुर के लिए। घर पे आ गई हूँ और ये पार्सल भी मैंने ले लिया है जो कि मम्मी पापा के पास था, और हमने आज जो रिसीव किया है शॉप भाभी का ही है लहंगा, तो भाभी 1-2 दिन में आने वाले हैं तो भाभी को दे देंगे, और सारे काम आज लगभग निपटा के आए हैं, सिर्फ पापा के एक स्पेक्स बनवाने थे वो रह गए, और पापा का एक बेल्ट खरीदना था वो रह गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, और ब्लाउज वेज भी सारे ले आए तो भाभी को बनवाने के लिए देने हैं, तो 1-2 दिन में भाभी आने वाली है तो उनको वो भी दे देंगे। कौन आया है देखो आते में, कौन आया है चलो घूमी घूमी कर लो एक बार, गोल गोल घूमी घूमी कर लो। आप कैसे करते हो ऐसे ऐसे करके? ये और मैं और ये मी क्या नाम है? दादी शाशा हे मी। आज मैं नहीं थी पता तेरे को, बोले बच्चो बाप ले कमल दुख ली है ना तो अभी आपको उतार लू, देखो यहीं पे दल दोला है, सुबह सुबह मम्मा और हम सब जने एक्सरसाइज करते हैं ना, इसलिए कल से आप भी आना ठीक है। हाँ शाशा को देख लो, अच्छा अभी इसके मन भर के शाशा को देखेगी फिर आगे बातें करेगी, और आज तो पूरा दिन में थी नहीं, मिलना हुआ नहीं तो मज़ा आ नहीं रहा इतना, अब आएगा मज़ा, मस्ती तो अब होगी। बेड पे पूरा एक बार खाली कर देती हूँ इसके लिए। शुशु आदो नहीं लिए
नहीं 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 मेरा कौन बोल रहा है ये बोल कौन रहा है? हाँ आवाज भी शाशी ही। हिम्मी तो थोड़ी देर मिलके फिर चली गई है उसकी ही को मिलने, यानी वो जो छोटी एक इवांका भी आती है ना व्लॉग में, उसको मिलने के लिए गई है, जा ही नहीं रहती। फिर उसको याद है यानी मुझे ई के पास जाना है, अभी ई के पास गई है। और मैं भी आज पूरा दिन थक हार के, अब बस मेरी भी बैटरी हो गई है लो, और यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।